यहां सिडनी में शुरू होने को है। टॉस जीता था विराट कोहली ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, और ये देखना है कि आज इस तीसरे मुकाबले में दीपक चाहर किस तरह की शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। शुरुआत बहुत अच्छी रही है दीपक चाहर की, ये एक पैडल करने की कोशिश थी। आज का मैच जो है आपका हल्द्वानी सर्कल और ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम खेलेंगे आज आपका नोएडा सेक्टर 62 में हम लोग खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे आज। तो मैच है हमारा आज, तो दिखाते हैं आपको एक बार किस तरह का रहता है मैच, तो मैच का आनंद लीजिए आप लोग भी। चलते हैं ग्राउंड स्टेडियम की तरफ, तो लॉक करते हैं अपना रूम, लॉक कर दिया, तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे को। स्टेडियम पास वही है हमारा, कैंपस के अंदर ही है स्टेडियम भी, तो घूम जाते हैं आप लोग को मिलते हैं, बने रहिए हमारी पहाड़ी ब्लॉक के साथ। तो आज हमारा मैच, तो भाई साहब हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, भाई साहब हमारे धनंजय जी, हमारे दत्त जी, संजय दत्त के भाई हैं। तो भाई साहब हमें आज मतलब बताएंगे अगर दिल्ली के बारे में। हम दिल्ली के बारे में देखो पूरी चीज़ बता दूँ, मैच है आज, लेकिन आज मैच है और वो हम जीतेंगे। जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाला, वो धारा नौला छा, गंगा का गाड़ा, लाल बोतल खराबा खराबा सराबा, दादी बाबा के नाम छू धनंजय दत्त। तुम्हारा घर कहाँ है? वेस्टर्न कैपिटल दिल्ली। तुमको पहाड़ी आती है? पहाड़ी भाई ने सिखाई है मुझे। सच कह रहे हो? हाँ। कितनी सिखा दी? मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल? यहाँ पर 53 लोग हैं। और कितने लोगों को मैंने सिखा दी पहाड़ी? फिर भी वैसे कह रहा हूँ 50% लोगों को तो सिखाई दी, और बहुत मतलब गाने भी सिखा दिए और पहाड़ी भी सिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने कल्चर को। मैं आपको एक बार स्टेडियम दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। ये ललित जोशी बागेश्वर साधु जी, हम खेलेंगे राइट हैंड। तो सभी लोग खिलाड़ी हमारे प्लेयर जो हैं वो स्टेडियम में आ चुके हैं, और अब टॉस होने वाला ही है। जैसे टॉस प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। चलो मैं भी स्टेडियम की ओर बढ़ता हूँ, स्टेडियम में जाता हूँ, टॉस प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसके बाद जो है मैच का आनंद लिया जाएगा। जब अच्छी कैचेस पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं करता, अब एक मिस हो गई तो उस पर चर्चा होगी कि यार गलती हो गई, बड़ा विकेट मिस हो गया। आपके पास भी चार्ज पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्टेडियम, कोई यूट्यूब पर आएगा कुछ को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है यूट्यूब पर होगा। हेलो भाई, ये हमारे प्लेयर हैं, हमारे दादा कुणाल दा राणा जी, हमारे यूपी से हैं, मेरठ से हैं। कभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है इनके पे, ये डॉक्टर भी हैं, समझिए याद, कल का याद आ रहा हूँ मुझे। यादव जी हैं, मैं संदीप, संदीप जी, और ये हमारे महेंद्र जी, माही ब्लॉग। तो पहाड़ी आपको सिखा दी मैंने? हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी सुनिए, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ तो बता दो। अरे यार क्या बताऊँ यार, ऐसे नहीं ना, बेइज्जती मत करो, पूछो मेरे से जभी तो मैं बताऊँगा ना। चलो सामने, कब जाना रे? ठीक है ना? हाँ। और ये प्रभात जी हमारे यहाँ के डॉन लग रहे मुझे। हेलो, जय हो कुमाऊँ, जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाली, सब सीख गए। और मुस्लिन, ये देखिए, ये सोचा था इस वाली बॉल पे मैं क्या करूं, बहुत चर्चा हो रही है इस शॉट के बारे में। ये दादी गढ़वाल के हैं, और ये भी जो खेल रहे हैं ये मेरठ के हैं, ये भी गढ़वाली आदमी हमारे दादा। और ये देखिए बॉल आ गई मुस्लिम के हाथ में, तो मैच शुरू होने वाला ही है, टॉस प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग को, दिखाते हैं आपको एक बार आज का मैच कैसे रहता है, क्या रहता है, बने रहिए हमारे माही पहाड़ी पर। हम लोग जीत गए यहाँ पर टॉस, टॉस प्रक्रिया हो गई यहाँ पर, तो हमने टॉस जीता है, तो हम पहले बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी टीम जो है वो फील्डिंग कर रही है। दादी भाई आ गए, तुम बैटिंग फील्डिंग, जोशी भाई खड़े खड़े, आप ठीक है?
ठीक है चलो तो बॉलिंग पे है हमारे प्रभात भाई हरिद्वार से हैं। आखिरी ओवर जो है चहल का बड़ा महंगा साबित होता हुआ यहाँ बल्ला हाथ में घूम गया अर्जुन सर के लिए और क्या छूट गया पहली बॉल नो बॉल बता दी यहाँ पर इस बार दीपक चाहर सिर्फ पैर का है अंपायर का डिसीजन मान्य होगा अरे नहीं अब माफ़ नहीं करते मैं बार जगह बढ़ाने कदमों से ऑस्टन के बाहर चले गए लेंथ को भी शॉर्ट कर लिया छह रन के लिए पीछे कर दिया उन्होंने बहुत और यहाँ पर आपस में भिड़ गए हैं लोग कुछ पंगा चल रहा है इनका आपस में स्टंप्स की लाइन में गेम करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी इनके तो बारे में आ रहे जैसे कहा आज ये किस्मत के धनी है अर्धशतक पूरा किया ग्लेन मैक्सवेल ने रिव्यू लिया जा सकता है जी हाँ लेंगे क्योंकि लगा लेग स्टंप के बाहर शायद गेंद पड़ी है ball tracking coming up now impact in line wickets are hitting you can start with the original decision of out Rob I'll let you know when you're on screen फिर नकल बॉल का इस्तेमाल इस वक्त यही समझदारी है और लीजिए ये क्या हुआ क्या कर दिया आपने वॉशिंगटन सुंदर एक ओवर में क्या कर दिया स्कोर 8 रन काफी अच्छा स्कोर है यहाँ पर छूट गई वाइड बॉल लोकेश द्वारा पहली फेंक गई गेंद आखिरी छह गेंदे और विकेट आखिरकार इनके नाम लिखा था तो इन्हीं को मिलना था पूरा स्टेडियम भरा हुआ देखिए यू मिस्ड आई हिट सिंपल प्लानिंग है नटराजन की यहाँ पास कोशिश अच्छी की थी यहाँ संजू सैमसन ने अर्जुन सर द्वारा काफी अच्छी बल्लेबाजी करी जा रही है दूसरा रन दौड़ रहे हैं तेज और रन आउट हो गए हैं यहाँ दोबारा से यॉर्कर गेंद एलिवेशन मिला नहीं और यार देखने वाली कौन था वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर सटीक थ्रो तेज तर्रार थ्रो ताकत वाला थ्रो डैनियल सैम्स आए हैं और आते संग ही बाउंड्री ढूंढ ली उन्होंने डॉट डिलीवरी के साथ ये इनिंग यहां समाप्त हुई और अपने 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे शानदार शॉट यहां पर सर द्वारा 3-0 से अगर जीतना है झाड़ू फेर देना है सीरीज के ऊपर तो भारत को 187 रन बनाने हैं 20 ओवर में सारा दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा कि किस तरीके की शुरुआत वो भारतीय टीम को देने में सफल होते हैं के बाद है गए स्टीव स्मिथ के हाथ आज कुछ भी गलत नहीं कर सकते ग्लेन मैक्सवेल किस तरफ से उठ के आए हैं पर फिर मौका बनेगा क्या जी ओ स्मिथ भाई आज कुछ है यहां पर कोई कैच पकड़ने को तैयार ही नहीं है किसका कैच था और किसने गिराया बहुत बढ़िया पिक किया आपकी बार गति थी तो कोई भी दिक्कत नहीं चल के गए और आसानी से पिक कर लिया उसको तो पारे समाप्त हो गए यहां पर तो हमने बनाए हैं आपके 10 ओवर में 73 रन 73 रन बनाए हैं तो फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से इस गेंद को फुटबॉल बना रहे हैं एक बार फिर हवा में खेला ये है विराट कोहली और इसी वजह से इन्हें खासन खास एक बल्लेबाज माना जाता है यहाँ पे जरूर अटैक किया शिखर धवन ने आखिरी गेम थी इस छठे ओवर की उसमें बाउंड्री ली 55 पे सिर्फ एक विकेट अच्छा शॉट खेला नियंत्रण में था ये शॉट पकड़ लिया एक समय तो लगा था कि यह गेंद भी चिटक गई हाथ से
लेकिन एकाग्रता उन्होंने अपनी भंग होने नहीं दी डैनियल सैम्स ने। सिर्फ 7 ही रन इस ओवर से भी और इस एक के साथ 50 भी पूरे होते हुए विराट कोहली के 94 पे 2। इतना ज्यादा बढ़िया संपर्क चाहते थे वो नहीं हुआ, बल्ले के बिल्कुल नीचे लगी तो उतनी ताकत आ नहीं सकी और अब की बार स्मिथ ने वहां कोई गलती नहीं की। क्या है क्या हुआ? पहली गेंद और जोरदार अपील बिल्कुल सामने है जी, है कह ही रहे थे हम कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी वो कर रहे हैं, ये उनकी ताकत रही है, लगातार ऊपर की तरफ डाला है। पूछना चाहते हैं कप्तान से रिव्यू लेके नहीं, वो मंत्रणा जारी है और रिव्यू ले लिया है, ऑल आउट कर दिया है। कैसे रहा बोल दो फिर कमिंग इन देयर रोज पिचिंग इट ऑन ऑफ इंपैक्ट इन लॉन वी गेट हिटिंग पसीना हो गया, देखो कितना हम लोग दौड़ भाग रहे हैं, मतलब मजा भी आ रहा है स्टेडियम में। विकेट भी गवाया, रिव्यू भी गवाया, वहां पर बढ़िया कदम का इस्तेमाल, फील्डर दोनों घेरे में थे और उनकी कोई जरूरत भी नहीं होती ना, ये ओवर शांत सा जा रहा था तो बहुत महत्वपूर्ण था कि आप थोड़ा सा अतिरिक्त जोखिम उठाएं। तो ये पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, एक टीम यहाँ है, एक टीम यहाँ पर है। बड़े ओवर चाहिए आपको, बड़े ओवर, और बड़े ओवर तब मिलेंगे जब इस तरह के बड़े शॉट खेलेंगे विराट कोहली। कोहली है तो संभव है। और एक ये गेंद दिशा दी है उस गेंद को, फाइन लेग अंदर है दायरे के, फील्डर ने बताया कि शायद कैरी कर गई है और खुश भी है विराट कोहली। करारा शॉट है ये, बड़ा ओवर कह रहे थे, 3 छक्के इस ओवर में, 20 रन आ गए हैं, बेहतरीन शॉट। और ये शॉट देखिएगा जरा, देखिए जरा ये शॉट, ये है हार्दिक पांड्या, इनका कमाल, सिडनी में मचाएंगे एक बार फिर धमाल। बल्ला बंद हो गया, बाहरी किनारा, और यहां ये बहुत बड़ा विकेट मिल गया ऑस्ट्रेलिया को। तारीफ करूंगा एरन फिंच की जो उन्होंने यहां जुआ खेला जैम्पा को बॉल देके, कमाल का डिसीजन, ऐसे ही डिसीजन होते हैं जो मैच को घुमा देते हैं। देखना यह है अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद विराट पे इसका किस तरह का असर पड़ता है। हो गया खत्म यह काम।